हाँ ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग सबको। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने बोला कि मुझे स्टार्ट करना है, यानी कि इनको, पर मैंने बोला नहीं मुझे स्टार्ट करने दो, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं वेट कर रही हूँ खाना खाने के लिए कब सब लोग आएंगे। कोई भी नहीं आया है, मैं अकेली बैठ गई हूँ, मेरा बाकी का काम बाकी अभी तक। और ये देखो अभी अभी नहा के आ गया हूँ मैं खाना खाने के लिए। तो अभी मस्त खाना वाना खाते हैं दोस्तों और पेट भर के खाना खा के आज ऑफिस शुरू हो जाएगा हमारा। और दो दिन में मुझे छुट्टियां लेनी पड़ेगी क्योंकि वैभव की शादी आ रही है, तो सारा काम आज और कल फिनिश करना है मुझे। फिनिश ठीक है। ये नीचे गिर गया भाई, किसी के ऊपर गिर जाता था अभी, किसी को कुछ नहीं। नहीं चलो खाना खा लेते पहले। चलो पायल गुस्सा होके निकल रही थी भाई, बोल रही थी तुमको खाना खाना है या मैं जाऊँ अपना काम करने के लिए। हाँ तुम बर्तन उठाओ यार। यार जब सुनील की वाइफ आ जाएगी तब यहाँ पे तो बैठने को जगह ही नहीं मिलेगी, फिर हम क्या करेंगे। जेंट्स लोग खाना खा लेंगे फिर लेडीज लोग खाएंगे, ठीक है। तो जगह का कंस्ट्रेंट ध्यान में रखते हुए हमें ये डिसीजन लेने पड़ सकते हैं फ्यूचर में, है ना पायल। That's a good idea, पायल। तो कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं फील करेगा, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि अकेला अकेला खा रहे हैं, ठीक है। आ गए हमारे मम्मी जी। उसको सोमवार मम्मी को व्रत है। अच्छा हमारा बनाओ दो। तो भी आज अंदर से होगा थोड़ा प्लास्टर और ऊपर के रूम का हो जाएगा फाइनली। भाई एक बंदे ने ना मुझे इंस्टाग्राम पे ना मैसेज किया और बोला कि मुझे ना जॉब की बहुत ज़रूरत है, तो अगर आपके टीम में कोई ओपनिंग होगी तो बता दो। तो मैंने क्या किया, उसको रिज्यूमे मांगा उसका, और भाई ने जो रिज्यूमे भेजा ना मुझे, उस रिज्यूमे में उसके इतने सारे मिस्टेक्स हैं, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फॉन्ट सही से नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, और फोटो एकदम ऐसा इंस्टाग्राम वाला डाल के रखा है। तो अगर ऐसे अगर रेज्यूमेस हो गए तो भाई कैसे आपको, मतलब जॉब मिलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए रेज्यूमे बनाते टाइम। तो अगर आप रेज्यूमे बना रहे हो ना, कोई फैंसी चीज़ें मत ट्राई करो, एक सिंपल सा रेज्यूमे बना लो जिसमें कि आपका नाम हो, ईमेल हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, फिर आपका करियर ऑब्जेक्टिव हो, फिर उसके बाद आपके प्रोजेक्ट के डिटेल्स, आपके स्किल्स के डिटेल्स, आपके कंपनीज के डिटेल्स और जिन जिन कंपनीज में काम किया है, और लास्ट में आपका पर्सनल डिटेल्स, एकदम सिंपल प्लेन रिज्यूमे बनाओ। ये मतलब मुझे देख के मेरा मन भी नहीं किया उसको फॉरवर्ड करने का, क्योंकि मुझे पता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें ना ध्यान में रखा करो यार, किसी को भी आप अगर रिज्यूमे भेज रहे हो ना तो वो अच्छा बना के भेजो, डिसेंट सा बना के भेजो, जगमगाट मत लगाओ उसमें, ये कलर यूज़ कर रहे हो, वो कलर यूज़ कर रहे हो, ऐसा भी मत करो, बहुत सारे फैंसी टेबल्स वगैरह भी मत यूज़ करो, सिंपल प्लेन रेज्यूमे रखो, एक या दो पेजेस का, तीन पेजेस अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, मान लो अगर मैं हूँ, मैंने तीन कंपनीज में काम किया और दो प्रोजेक्ट भी मान लिया एक कंपनी में, तो बहुत सारे लंबा हो जाता है, तो तीन पेजेस चल जाएगा। पर अगर फ्रेशर लेवल पे हो तो एक या दो पेजेस का मैक्स बनाने की कोशिश करो। ये मैंने सोचा बता दूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी देखते ना, तो ये गलतियाँ मत करो यार। जॉब लगना है ना बहुत, मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उसमें से एक है आपका रिज्यूमे, दूसरा है आपका कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा है आपका एक्चुअल टेक्निकल स्किल, चौथा है जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एक एक स्टेप को धीरे धीरे अच्छा करना होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, एक वन स्टेप एट अ टाइम। मैं आपको रिज्यूमे दिखा देता पर वो बंदा पहचान जाएगा किसके बारे में बात कर रहा, तो मैं उसको पर्सनल मैसेज कर दूंगा कि उसमें क्या क्या करेक्शन करना है, पर ध्यान से रखो, ठीक है। आई नो कि आप सीख रहे हो और सीखे ही चीज़ें समझ में आती हैं, पर मैंने तो भाई जो मेरा फ्रेशर का रिज्यूमे था ना वही मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, वही टेम्पलेट एकदम सिंपल सा हर जगह पर, कोई फैंसी चीज़ ट्राई नहीं करता, ठीक है। और कीवर्ड्स, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालो उस रिज्यूमे में, जैसे जिस जॉब प्रोफाइल का है उसके बारे में कीवर्ड्स डालो, डाला करो, ताकि
मशीन को भी वो रीजन समझ में आए इंसानों को छोड़ के, हाँ अल्गोरिदम को। तो ये सिंपल सिंपल स्टेप्स होते रहे, ऐसा ऐसा नहीं होता है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है, पर बहुत सारे लोगों को ये स्टेप्स ही नहीं पता होते। तो अभी मुझे याद आया तो बता दिया मैंने, ठीक है। अभी मेरी मीटिंग है, मिलते थोड़ी देर में। बहुत मेहनत का काम होता है यार ये देखो, इन्होंने यहाँ पे फूल निकाल दिया, एक डिज़ाइन निकाल दिया, तीनों पिलर पे आएंगे सेम डिज़ाइन। मैंने सोचा चलो ये सही रहेगा, ऊपर भी सेम डिज़ाइन है ना, ये देखो सीमेंट की पूर्तता की जाए। सीमेंट ख़त्म हो गया था हमारा आज, तो भाई चार चार मिस्त्री लोग आ गए थे। तो ये देखो इस रूम का ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई प्लास्टर होके। अब ये दीवार बची है और ये बची है, ऊपर तो प्लास्टर नहीं होगा, ऊपर वो सीधा वॉल पुट्टी आ जाएगा, तो उससे ही कलर हो जाएगा फाइनली। तो सिर्फ दूसरी दीवार बची है और फिर ये रूम डन। फिर रहेगा दरवाज़ा वगैरह बनाने का काम, मार्बल वगैरह सब चीज़ें वो अच्छा होने वाला। तो भाई जस्ट नाउ मैंने ना छुट्टी ले ली है, क्योंकि मुझे इन्हें फावड़ा देने के लिए जाना है। एक्चुअली आज ना चार पांच मिस्त्री लोग आ गए थे, तो उसके लिए एक फावड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था, क्योंकि हमारे घर पे तीन ही अवेलेबल थे। तो बहुत ढूंढा मैंने, हमारे घर पे नहीं मिला, सोना के घर पे नहीं मिला। तो फिर फाइनली हमें हमारे गांव में एक सज्जन रहते उनके घर से लेके आना पड़ा, और उनको चाहिए था जल्दी। तो फिर मैं अभी लौटा रहा हूँ इसको। सोना मोना के घर पे बहुत सारे पेड़ है यार, हमारे पास अभी चीकू का पेड़ नहीं है, एक चीकू का पेड़ चाहिए हमें। अबे ओए ये क्या खा रहे है? अब देखो भाई कैसा दिख रहा है घर, ये देखो तीन फूल भी निकाल दिए यहाँ पे। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है घर को देखने के लिए, कैसा लग रहा है रे? सही दिख रहा है। हाँ सोचा था ऐसा दिख, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था, वो ऐसे तिरपा लगा देखी तो क्या बोलती है उसको, स्लोप बना के उस पे मुझे भी मैसेज किया था, पर अभी वो पॉसिबल नहीं ना वहाँ से ऐसे बनाना। तो यहाँ पे फिलहाल खाना बन रहा है और बहुत ज़्यादा भूख लगी है पायल, तो जल्दी से बनाओ। और मम्मी कहाँ गई है? हाँ वही बोल के शादी के रिचुअल शुरू हो चुके हैं, तो अभी कल पूरी बनाने का फंक्शन है। तो जो शादी होती है ना उसके लिए पूरियाँ बनाई जाती है, तो उसका फंक्शन चालू है। तो मम्मी उसका जो आटा लगता है वो बनाने के लिए गई है। तूने वही बोल के शादी के लिए कितनी छुट्टियाँ ली है? दो दिन, मेरी मैंने चार दिन की ली थी पर मेरी कैंसिल हो गई, दो दिन मुझे दी नहीं मैनेजर ने, तो दो दिन ही है मेरे। और भाई मैंने भी दो दिन छुट्टी ली है वैभव की शादी के लिए, दो नहीं तीन दिन, दो दिन शादी से पहले और एक दिन शादी के बाद। वैभव ने सेम छुट्टी ली है भाई, और हमने भी उतनी छुट्टी ले ली, मतलब देखो उसको कितनी एक्साइटमेंट है खुद के शादी की। मैंने उससे ज़्यादा ली थी पर मेरी कैंसिल हो गई, मुझे दी नहीं, पर उसने बाद में छुट्टियाँ ले ली होगी, शादी के बाद ली होगी उसने। देख खुद के शादी में ना मैंने तीन हफ्ते की छुट्टियाँ ली थी। नहीं उस कंपनी में पाँच साल था ना मैं, तो मेरी सारी छुट्टियाँ जमा थी उधर। और मैं ना मेरी पहली कंपनी छोड़ इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी शादी रहेगी और दूसरे कंपनी में जाऊंगा तो छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, तो मैं पहली कंपनी को छोड़ ही नहीं रहा था। मतलब मुझे तीन या चार साल बाद ही स्विच करना था, पर मेरी शादी पोस्टपोन हो गई और फिर मुझे लगा यार दूसरे कंपनी में जाऊँगा तो इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, तो फिर एक साल मैं रुका उस कंपनी में, तो मैं चार साल में ही छोड़ने वाला था कंपनी। तो ऐसा सीन हो गया था मेरा, तो शादी की वजह से मैं एक साल लेट हुआ हूँ, उस कंपनी में रुकना पड़ा। अच्छी थी पर वो कंपनी, कंपनी अच्छी थी, कंपनी तो एक नंबर है भाई, पर इंसान है ना बोर हो जाता है। नहीं 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 कोई भी एम्प्लॉय है ना कंपनी क्यों छोड़ता है पता है? वो कंपनी की वजह से नहीं छोड़ता, पैसों की, पैसा एक होता है और एक होता है जो सराउंडिंग पीपल होते हैं ना, वो आपको मतलब मेंटल प्रेशर जब ज़्यादा हो जाने लगता है ना, पॉलिटिक्स ज़्यादा, अब पॉलिटिक्स या फिर आप बोल लो कि ऐसे चीज़ें होने लगती है ना, तो इंसान सोचता है यार यहाँ पे नहीं रुकते, मन भर जाता है फिर वहाँ से, तो इसलिए छोड़ता है इंसान। तो मेरा इन दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं एग्जैक्टली रीज़न नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? किसी ने सच कहा है एम्प्लॉय है ना दो चीज़ों से कंपनी छोड़ते, एक होता है पैसा और एक होता है एनवायरनमेंट। तो मेरा रीज़न इनमें से ही था, एग्जैक्टली मैंने बता सकता, तो इसके वजह से मुझे छोड़नी पड़ी कंपनी। और
अब यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम एंजॉय कर रहा हूँ विथ बेटर मनी। जब मैं पहले कंपनी में था ना, मैं इतना डरता था ना स्विच करने से, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, दुनिया ही पता ही नहीं थी जॉब स्विच क्या होता है, मैं उधर ही पड़ा रहता था। अगर मैं थोड़ा सा मेरा माइंड सेट इवॉल्व नहीं हुआ होता ना भाई, ये जो इम्पोर्टेंट स्किल है कि आपको, मुझे लगता है हर 2-3 साल में कंपनी स्विच करनी चाहिए अगर आपको मार्केट अंडरस्टैंड करना है। अगर एक कंपनी में रहोगे ना तो वहाँ के हो जाओगे, वही का ही हो जाओगे, मतलब आपका माइंडसेट ही ग्रो नहीं होगा, उधर ही पड़े रहोगे, उनको ही देखते रहोगे, कुछ बाहर की बात भी नहीं सीखोगे, ओवर कंफर्ट जोन में चले जाओगे। इतना कंफर्ट जोन हो जाता है ना बंदे का उस टाइम, और कुछ उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, बॉस की गालियाँ भी सुन लोगे, कुछ भी उनके आटल सटर सुनते रहोगे, कुछ तुमको पता ही नहीं ना बाहर की दुनिया क्या है। अब मैंने मान लो मैं उस कंपनी में जो था, मेरा माइंडसेट जो था और जो मैं सीनियर्स को जिस तरीके से देखता था, वो मेरा कम्प्लीटली चेंज हो गया 2-3 स्विच मारने के बाद। मुझे पता चल गया है कि भाई ऐसे नहीं चलता है, एक ही कंपनी में लोग 15-15 साल उधर बैठते नहीं है, तो मतलब जो लोग एक ही कंपनी में 15-15 साल रुकते हैं ना, उनका दिमाग ही अलग चलता है, वो नए बंदों को उतना अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है। फेयर ग्रो होता है, हाँ, अगर तुम एक जगह पे रुक रहे हैं ना तो वो चला जाने का फेयर होता है, हर चीज़ का फेयर बढ़ने लगता है आदमी में, वो फिर एक्शंस भी उसी हिसाब से लेता है आदमी, डर डर के जीता है थोड़ा कंपनी में, अगर कुछ बोलना हो तो बोल नहीं पाता क्योंकि बैगेज रहता है वो। तो अगर ग्रो करना है और थोड़ा निडर बनना है तो टाइम टू टाइम रिस्क लेना पड़ेगा भाई। अगर मैं भी मतलब 5 साल में रुका ना तो भाई मैं ऐसा सोचता था कि मुझे अभी उस कंपनी से बाहर निकला तो मुझे बाहर जॉब ही नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा मैं सोचता था, और उधर जो भी मुझे पेमेंट बढ़ा के देते थे वो मैं ले लेता था, या फिर जितना मिल रहा है उसने मैं खुश हो जाता था, ज़्यादा और गाली भी पड़े कुछ भी बोले सुन लेता था, मुझे लगता था यार क्या होगा बाहर जाऊँगा तो मतलब इससे अच्छा कुछ मिलेगा ही नहीं, पर ये सब गलत चीज़ है। अपना अपना काम करो, और बहुत बड़ी दुनिया है, उस वो जो होता है ना मेंढक कैसे उसने इसमें पड़ा रहता है तो वो सोच ही नहीं पाता बाहर क्या है, तो बाहर पढ़ो, थोड़ी रिस्क लो, थोड़ी तकलीफ होगी इनिशियली एडजस्ट करने में, पर जब एडजस्ट करोगे तो पता चल जाएगा भी आगे कैसे बढ़ना है। पर इसका मतलब ये मत समझना कि मैं अनग्रेटफुल हूँ पहले जॉब के लिए, मेरा पहला जॉब और वो पहली कंपनी है ना मुझे इतनी प्यारी है ना, उसके बारे में कोई दोहराए नहीं, मैं लर्निंग्स की बात बता रहा हूँ, जो माइंडसेट की बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा, और जो लोग थे उनके बारे में भी मुझे कोई ऐसा ये नहीं है, पर जो मैंने सीखा एक्सपीरियंस किया, जो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कैसा था, तब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं ऐसा ही भी होता है, मैं तब तो मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता था, पर अब जब बाहर निकला हूँ तब मैं एनालाइज करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मैं कैसा था। ये तो तुम एडवाइस दे रहे हो ना, ये एडवाइस है मेरा, किसी से मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे ऐसा है कि मैं उस कंपनी में मेरा कंप्लेंट नहीं है, एडवाइस है लोगों के लिए कि आपको समझना चाहिए कि आगे कब बढ़ना है भाई, कुछ भी हो, चाहे आपका जॉब हो, आपका रिलेशनशिप हो, या फिर आगे कब बढ़ना है समझना चाहिए, कहीं पे पहुंचने के लिए कैसे निकलना पड़ता है। तुमको एक चीज बताऊं, डर के मत रहो भाई, मैं जो डरा हूं ना मतलब बहुत ही ऐसा सहमा सा रहता था मैं, इतना नहीं रहना चाहिए था मैं, अब रिग्रेट होता है, रिस्क के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अभी, अब आज मुझे पता है भाई अगर निकाला भी जाओ इस कंपनी से या फिर छोड़ भी दो इस कंपनी को तो फिर आगे क्या कर सकते हैं, तो डरने का नहीं, दो तीन पहाड़ चढ़ लिए ना तो ऐसे सब पहाड़ आसान लगने लगते हैं, वही हो जाता है, तुम्हारी स्किन बहुत फेयर दिख रही है, वही तो रिस्क लेते रहो, और जॉब नहीं लग रहा है ना तो ऐसा मत सोचो कि कभी नहीं लगेगा, एक दिन तो लगेगा, तब तक प्रयास अटल रहने का तब तक। वही वो तुझे क्या लगता है, एक कंपनी में रुकना चाहिए या बदलना चाहिए कंपनी को? बदलना चाहिए भाई। कितने दिनों में? जैसे आपका मन करे। साल भर में भी कर सकते हैं, साल में, 2 साल में हर 6 महीने भी कर सकते हैं, सिर्फ पैसा मसंगा, पैसा इतना भी नहीं करना चाहिए, 1.5-2 साल में क्या रे ऑप्टिमल, नहीं आइडियली 4 साल तक तो रुकना चाहिए, डिपेंड, पैसा बढ़ रहा है तो रुकना चाहिए, हाँ, पर एक कंपनी में रुक के तो पैसा बढ़ता ही नहीं है।
नया बंदा आ जाता है उसको ज्यादा सैलरी होता है। जूने को रिस्पेक्ट मिलता है, रिस्पेक्ट। हाँ, जो पुराना होता है उसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। पैसा नहीं मिलता। और दूसरे दिन बहुत सारा काम। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कर स्टार्ट। हे हेलो, गुड मॉर्निंग। कसे आहेत सगळे? मजे ना? मस्त आहे ना सगळे? मी मराठी बोलते परत स्टार्ट करते। स्टार्ट। हे हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? और आज की शुरुआत मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग को इनके। काय बोलती है? काय तू करते कर।